हाय मम्मा एंड पापा, मैं हूं आभा और आप सभी का हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से कैसे बचा जाए। सो बिना किसी देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करें। रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताई थी और जो कि अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी भी थी। और उस वीडियो के बाद आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि प्रेगनेंसी में कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप प्रेगनेंट हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई प्रेगनेंट है या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई प्रेगनेंट है तो किस तरीके से इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। वायरस के बारे में तो अब हम सभी जान चुके हैं कि किस तरीके का वायरस है और इसकी अभी किसी भी तरह की वैक्सीन या फिर इलाज नहीं मिल पाया है, पर बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, बहुत सारी हिदायतें हैं जिनको हम फॉलो करके इस वायरस से प्रभावित होने से बच सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका और भी ज़्यादा कंसर्न होना ज़रूरी हो जाता है खुद के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति के बारे में अगर हम देखें तो उसके कंपैरिजन में प्रेग्नेंट लेडी का जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत कम हो जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उसके अंदर एक बेबी होता है, क्योंकि उसके अंदर एक नया जीवन है इस वजह से। और इस मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की अपनी वैसे भी ज़रूरत होती है। और अगर कोरोना वायरस की बात की जाए कि इस समय बाहर बहुत ज़्यादा वायरस चल रहा है, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से, तो इस समय आपको अपना ध्यान देना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो 3 से 4 ऐसे पॉइंट हैं जो कि बहुत बेसिक हैं और जिन्हें आप अगर ध्यान में रखते हैं, आप यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली कोरोना वायरस से संपर्क में नहीं आएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है साफ़ सफाई का, अपनी भी और आसपास की चीज़ों की भी। साफ़ सुथरी चीज़ें आपके घर में हो, आपके आसपास हो, और आप जितना ज़्यादा हो सके अपने हाथों को साफ़ करके रखें। कोई चीज़ इस्तेमाल करने के बाद, कोई चीज़ यूज़ करने के बाद में कोई नई चीज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं उसके बाद तुरंत ही अपना हाथ साफ़ करें। खाना खाने से पहले अपना हाथ अच्छे से धोएं। कुछ भी चीज़ आप खाने वाली हैं, कुछ भी चीज़ आप पीने वाली हैं तो उसके पहले अपना हाथ अच्छे से वॉश कर लें आप। और हैंड वॉश करने के लिए आप प्रेगनेंसी सेफ हैंड वॉश का यूज़ कर सकती हैं। हैंड वॉश ऐसा हो जो कि आपको हार्म भी ना करे और आपके हाथों को अच्छे से साफ करके रखे। इसके बाद आपको एक अच्छा सैनिटाइज़र यूज़ करना है। सैनिटाइज़र एल्कोहल बेस्ड भी होना चाहिए और जो कि प्रेगनेंसी के लिए सेफ भी हो। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हैंड सैनिटाइज़र के और हैंड वॉश के जो आप ले सकती हैं। उसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, वहाँ से जाकर के आप लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं अपने लिए एक अच्छा हैंड वॉश और एक अच्छा सैनिटाइज़र। एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र आपको इसलिए यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत सारे वायरसेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे हाथ को प्रोटेक्ट करता है, और नॉर्मल सैनिटाइज़र ये चीज़ें नहीं कर पाता है। इसके साथ सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपको नए पर्सन के कांटेक्ट में आने से बचना है। और इस तरह के पर्सन जिनको छींक खांसी या बुखार की शिकायत है आपको उनसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलना है इस समय। थोड़ा दूरी बना करके रखें, कम से कम 1 मीटर की दूरी बना करके रखनी है। और अगर आपको लग रहा है कि आप इन्फेक्टेड हो सकती हैं तो प्लीज़ इस समय मीटिंग वगैरह अवॉइड करें, मिलना जुलना अवॉइड करें आप। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपको बुखार सा फील हो रहा है या फिर आपको खांसी छींक इस तरह की ड्राई खांसी वगैरह आपको हो रही है तो इमीडिएटली अपने गायनो से मिले या फिर आपको नियरेस्ट जो भी आपको फिजिशियन मिलते हैं आप वहां जाकर के उनसे बात करें और उनको ये चीज़ें ज़रूर बताएं। प्रेगनेंसी के दौरान हमें फ्रीक्वेंट अपने गायनो से मिलना होता है रूटीन चेकअप के लिए। अक्सर ही हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है और घर से निकलते से हॉस्पिटल पहुँचने तक आपको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आप N95 मास्क कैरी करें, मास्क पहन के रखें। ये मास्क आपको नाक के ऊपर से प्रोटेक्ट करता है और चिन के नीचे तक आपको प्रोटेक्शन देता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा इस तरीके के वायरस से। इसका इस्तेमाल आपको करना ही करना है अगर आप बाहर निकलते हैं। इनफैक्ट अगर आप घर में भी हैं और आपको अनसेफ सा फील हो रहा है तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके घर में फ्रिक्वेंट लोगों का आना जाना है तो आप प्लीज़ इस मास्क को पहन के रखें। ये मास्क आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको ये मास्क अवेलेबल नहीं होता तो आप हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट करके भी वहाँ से ये मास्क मंगवा सकते हैं। प्रेगनेंसी में हमें वैसे भी खाने पीने का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने डाइट में पानी को इंक्लूड करना है। जितना पानी आप पी सकती हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पानी कैसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है। और हाइड्रेट रहेगी आपकी बॉडी तो वैसे भी आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहेगी और आपको अंदर से हेल्दी भी फील होगा। खाने पीने की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपको जो भी चीज़ आप खा पी रही हैं उसे आपको प्रॉपरली कुक करके ही खाना है। रॉ आइटम्स नहीं खाने, चाहे वो आप वेज खा रही हूँ, चाहे आप नॉन वेज खा रही हूँ, या फिर आप एग्स खा रही हूँ।
उसे अच्छे तरीके से पका करके ही आपको खाना है, और ठंडा खाना अवॉइड करना है। किसी भी तरीके के पैक्ड आइटम जो भी आप लेकर के आ रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी जो भी आप लेकर के आ रहे हैं, पैक्ड आइटम इस समय आपको अवॉइड करने हैं इस तरीके के। और इसी के साथ आपको अपने डाइट में विटामिन सी को इंक्लूड करना है। विटामिन सी रिच फूड जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं, फ्रूट्स वगैरह हो गए या फिर लेमन वगैरह, आप जो भी चीज़ आप लेना पसंद करती हैं अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि विटामिन सी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और ये आपको इस तरीके के इन्फेक्शन से अंदर से बचाव करेगा। और ये सारी चीज़ें ना सिर्फ आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को फॉलो करनी है, बल्कि आसपास जितने भी आपके लोग हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को ये चीज़ें फॉलो करनी है। ये सभी के लिए हेल्पफुल है और ये सभी को कोरोना वायरस या फिर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। सो गाइज, ये बहुत ही बेसिक बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी प्रेग्नेंट लेडीज़ के, इनफैक्ट सभी के लिए, और हम सभी को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए ही हम इस तरीके के इन्फेक्शन, इस तरीके के वायरस से बच सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको मददगार लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपकी तरह और भी लोगों को अवेयरनेस हो पाए। सो अभी के लिए बस इतना ही, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियो, स्टे हैप्पी, हैप्पी मूवी व्लॉग्स, बाय बाय।